गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ टिकोचो इंग्लिश लिटरेचर बुक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर मनु माजरा। इट्स अ चैप्टर 8। सो खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड हिस्टोरियन। So first we know about Khushwant Singh is the writer of this chapter, Manu Majra. Khushwant Singh was born in 1915 in a region of Punjab which is now a part of Pakistan. Okay, तो देखिए ये जो खुशवंत सिंह है इनका एक novel है Train to Pakistan. Which has four parts, जिसके four parts हैं, from which we are going to read this part, यानी कि third part, मनु माजरा, जिसमें story दे रखी है जिस time पे हमारा India और Pakistan का partition हुआ था। तो देखिए उस partition होने से पहले लोग किस तरह से रहते थे, नॉवल में वो बताया गया था पहले। अब मतलब पार्टीशन होने के बाद में लोग किस तरह से रहते थे, अब तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मनु माजरा में। ओके, यानी कि जो लोगों की लाइफ है पार्टीशन होने के बाद में किस तरह से चेंज हुई, उनमें क्या क्या चेंजेस आए, तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मनु माजरा में, आफ्टर पार्टीशन। ओके, पार्टीशन पता है सभी को कब हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था, 1947। ओके, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑन पेज नंबर 70। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चैप्टर लेंथी है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ब्रीफली शॉर्टली। मनु माजरा इज़ अ टिनी प्लेस। मनु माजरा एक छोटा गांव है जिसमें सिर्फ तीन ही ईंटों की बिल्डिंग है, जिसमें से कि जो पहली है वहां पर वहां के जो मनी लेंडर हैं, यानी कि जो मनी लेंडर यानी कि जो ब्याज पर पैसे देते हैं, लाला रामलाल, जिनका घर है वो ईंटों का बना हुआ है। और जो दूसरा है और जो दूसरा और तीसरा है, यानी कि दूसरा सिख टेम्पल है, और जो तीसरा घर वहाँ पर जो ईंटों का बना हुआ है वो मॉस्क यानी कि मस्जिद है। और ये तीनों ही बिल्डिंग एक ट्रायंगल शेप में बनी हुई है और इनके बीच में एक पीपल का पेड़ है। द रेस्ट ऑफ द विलेज इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लैट रूफ्ड मड हट्स एंड लो वॉल्ड कोर्टयार्ड्स। और जो बाकी का जो पूरा गांव बचा हुआ है वो मिट्टी के घर की दीवारों से झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और छोटी छोटी दीवारें यानी कि छोटे छोटे आंगन बने हुए हैं। विच फ्रंट ऑन नैरो लेंस दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जिनको बीच में से ही देखा जा सकता है, यानी कि घरों की ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। देयर इज वन ऑब्जेक्ट दैट ऑल मनु माजरा इवन लाला रामलाल वेनरेट, यानी कि गांव में एक सबसे अच्छी चीज़ है पूरे मनु माजरा में, एक चीज़ है जिसका पूरा गांव यानी कि लाला रामलाल भी उसको रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि इज्जत देते हैं। दिस इज़ अ थ्री फुट स्लैब ऑन सैंड स्टोन दैट स्टैंड्स अपराइट अंडर अ कीकर ट्री बिसाइड द पॉन्ड, यानी कि तालाब के पास में कीकर के पेड़ के अंदर एक थ्री फीट यानी कि तीन फुट की एक मूर्ति बनी हुई है, यानी कि जो वहाँ के लोकल डीटी यानी कि वहाँ के जो एक लोकल देवी या देवता हैं, जिनको पूरे गांव वाले यानी कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई सब उनकी पूजा करते हैं, यानी कि सब उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए जो गांव है, ऑल्दो मनु माजरा इज सेड टू बी ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज रिवर, इट इज़ एक्चुअली हाफ अ माइल अवे फ्रॉम इट इन इंडिया। विलेज कैन नॉट अफोर्ड टू बी
too close to the banks of rivers. Rivers change their moods with the seasons and alter their courses without warning. यानी कि जो गांव है सतलज नदी के आधा मील दूर ही बना हुआ है. अब देखिए इंडिया में क्या होता है कि जब भी बाढ़ आती है या मौसम बदलता है, मानसून आते हैं, नदी में पानी बढ़ जाता है, तो पता नहीं चलता कि कब नदी में पानी बहाव तेज हो और गांव को बहाकर ले जाए. तो यानी कि इतना भी इजी नहीं है किसी भी नदी के किनारे भारत में गांव का होना. तो देखिए द सतलज इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब. सबसे बड़ी नदी है पंजाब की सतलज नदी जो है. आफ्टर द मानसून इट्स वाटर राइज एंड स्प्रेड अक्रॉस इट्स वास्ट सैंडी बेड. यानी कि जब बारिश का समय होता है, जब मानसून आते हैं, तो उसमें पानी बढ़ जाता है और इधर उधर जाता है, यानी कि गांव की तरफ. अबाउट अ माइल नॉर्थ ऑफ मनु माजरा द सतलज स्लग्सली बिटवीन लिटिल मार्सी आइजलैंड्स. अबाउट अ माइल नॉर्थ ऑफ मनु माजरा द सतलज इज स्पेंट बाई अ रेल रोड ब्रिज. इट्स अ मैग्निफिशेंट ब्रिज. इट्स 18 इनोरमियस स्पैन स्वीप लाइक वेव्स फ्रॉम वन पायर टू अनदर एंड एट ईच एंड ऑफ इट देयर इज अ स्टोन एम्ब्रिकेंट टू बट्रेस द रेलवे लाइन. ऑन द नेस्ट ईस्टर्न एंड द एम्बिकमेंट एक्सटेंड्स ऑल द वे टू द विलेज रेल रोड स्टेशन. मनु माजरा हैज़ ऑलवेज सीन नोन फॉर इट्स रेलवे स्टेशन. जो मनु माजरा गाँव है वो हमेशा ही इसके रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता है. तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक है, यानी कि ब्रिज पर सिर्फ एक ही ट्रैक है और उसके नीचे यानी कि बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे कि अनइम्पोर्टेंट ट्रेन से यानी कि ट्रेन इंतज़ार के लिए खड़ी रहती हैं. तो देखिए यहाँ पे कुछ दुकान वाले हैं जो कि वहाँ पे स्टेशन के पास ग्राउंड में खड़े रहते हैं, जो कि यात्रियों को खाना देने के लिए, सिगरेट्स, चाय, बिस्किट देने के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं. तो देखिए जो यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं वही वहाँ पे टिकट्स को सेल करते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया गया है उसके बाद में पार्टीशन के बाद में कोई वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, जो मतलब बहुत शांत तो स्टेशन है एक तरह से कहेंगे तो हम ये. तो देखिए टिकट्स को बांटने के बाद में वो खुद ही वहाँ पे ग्रीन जो सिग्नल होता है, जो ग्रीन झंडा दिखाते हैं, वो खुद ही दिखाते हैं उसको ग्रीन फ्लैग फॉर ट्रेन्स विच डू नॉट स्टॉप. यानी कि जो रेलें रुकती नहीं है, जो रेल रुकती नहीं है, उनके लिए जो ग्रीन सिग्नल है वो स्टेशन मास्टर दिखाते हैं और उसके बाद में वो टिकट्स को बांटने लग जाते हैं. ठीक है, तो देखिए नॉट मैनी ट्रेन्स स्टॉप एट मनु माजरा. मनु माजरा पर बहुत ज़्यादा ट्रेन्स नहीं रुकती हैं, यानी कि एक छोटा सा स्टॉप है. तो देखिए ऑफ द मैनी स्लो पैसेंजर ट्रेन्स ओनली टू. यहाँ पर सिर्फ दो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, वन फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर इन द मॉर्निंग एंड अदर फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. यानी कि एक लाहौर से दिल्ली के लिए, एक दिल्ली से लाहौर के लिए. ओके, इस तरह से ट्रेन्स चलती हैं यहाँ पर. यहाँ पर रेगुलर जो कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो गुड्स ट्रेन होती हैं, वो भी ज़्यादा नहीं चलती हैं, क्योंकि क्या ही सामान आता जाता है वहाँ से. हाँ, बट ये है यहाँ पे वेट करने के लिए अधिक समय तक ट्रेन्स रुकती हैं कभी कभी. ईच पासिंग गुड्स ट्रेन स्पेंड्स आवर्स शेडिंग वैगन्स एंड कलेक्टिंग अदर्स. यानी कि यहाँ पे कुछ समय के लिए ट्रेन्स इंतज़ार करने के लिए बहुत समय तक खड़ी रहती हैं. जब अंधेरा होने लगता है गाँव में तो शांति हो जाती है और जो इंजन्स की सीटियों की आवाज़ होती है वो गूंजती रहती है, वो सुनाई देती है, और पटरियों पर रेल के चलने की आवाज़. तो देखिए ये मनु माजरा को एक ट्रेन कॉन्शियस विलेज बनाती है. बिफोर ड्रे ब्रेक द मेल ट्रेन रशेस थ्रू ऑन इट्स वे टू लाहौर एंड एज इट अप्रोचेस द ब्रिज द ड्राइवर invariably blows two long blasts on the whistle. In an instant all Manu Maazra comes awake. यानी कि जब सुबह सुबह ट्रेन आती है तो दो बार जो ड्राइवर है वो विसल बजाता है, जिससे कि कौए चिल्लाने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं,
क्वेरल फॉर देयर परचेज ऑन द पीपल, यानी कि कौए जग जाते हैं और की करके पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, और जो चमगादड़ हैं वो शांत हो जाती हैं रात के लिए और पीपल के पेड़ पर जाकर अपने शिकार के लिए लड़ने लगती हैं।